छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडरिया विकास खंड में जहां घने जंगलों के बीच एक विशेष जनजाति निवास करती है, बैगा आदिवासी। इनकी जीवन शैली, संस्कृति और परंपराएं यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का अभिन्न हिस्सा है। भाखुर, झकना डी, तेलिया पानी, छिंदी डी, देवानपट पर चूल टोला और धोबे जैसे गांवों में लगभग 10,000 से अधिक की संख्या में बैगा और गोंड आदिवासी निवास करते हैं। ये लोग आगर नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक जीवन का निर्वाह करते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में बेहतर सुविधा से विहीन होते हुए इनका जीवन जीने के लिए संघर्ष आपको अचंभित और सोचने पर मजबूर करने के लिए काफी होगा। हमारे गांव में परेशानी है कि नीचे बना दें रपटा टाइप के, ये पुल बनना चाहिए, इतना तकलीफ है गरुआ बच्चे तक ये बाहर जाते हैं। आदमी भी यहाँ पे 10 साल के पहले की बात, एक आदमी भी बाहर गया, तब तक सरकार यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। और बात कोई भी आदमी जचकी हो रहा है वो भी जा रहे हैं तो यहाँ नदी क्रॉस नहीं कर पाए, अस्पताल जाना बहुत मुश्किल जाता है। कोई जर बुखार आ गया वो भी बहुत तकलीफ जा रहे हैं। पुल बनना चाहिए भाई, सरकार हमारे ग्राम भाकुर में अब तक तकलीफ है, यहाँ रपटा बने हैं, पुलिया बनना चाहिए था। ऊपर से पानी जा रहे हैं, पूरा आता है, बाढ़ आता है तो सब ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ इतना परेशानी है बंधान के आदमी ला, बहुत तकलीफ, पूरा बैगा आदिवासी भाई लोग हैं यहाँ पर, कुछ नहीं हो पाए, सरकार यहाँ ध्यान नहीं दे रहे। कम से कम यहाँ पुलिया बन जाए तो हमारे गाय बच्चे आने जाने की बन जाए, हमारा खेती हो पार, ये पार दोनों पार खेती है, आते जाते हैं तो बहुत तकलीफ पड़ता है। कोई आदमी हमारे पास ध्यान नहीं देता है, नदी बाढ़ में आता है, जितना बाढ़ आता है दिन भर दो घंटा तीन घंटा तक बाढ़ आता है। कोई यहाँ ये पार के आदमी ये पार रहता है, कोई जर है, कोई तकलीफ है, बुखार आता है तो वो पार है, नदी ले पार क्रॉस करके जाना है तो अस्पताल, तो वहाँ भी आदमी पहुँच नहीं सकता है, इतना तकलीफ है। यहाँ पुल बनना चाहिए कैसनों करके, पूरे आदिवासी भारी तकलीफ भोग रहे हैं। पूरे जब का बंधान है यहाँ दवान पट पर के आते हैं ये रास्ता पे, छिंदीडी के आ रहे हैं, धोबे के आ रहे हैं, झकना डी, तिलिया पानी, चूल टोला, पूरे यहाँ आपका गाँव के आदमी हैं जा रहे हैं, पूरा परेशानी में जा रहे हैं, बाजार उजार जाते हैं दूर के, इतना तकलीफ पड़ता है, डोटोली में जाके अटक जाता है, आगे उन्होंने आगे तो हमारे भाकुर में अटक जाता है, इतना बाढ़ आता है यहाँ, समझ नहीं आता इतना बाढ़ आता है, कोई सरकार यहाँ ध्यान नहीं दे। आगर नदी इन आदिवासियों के जीवन का बड़ा हिस्सा है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है भाखुर गांव में नदी पर बना नदी के बराबर का रपटा। बाढ़ के मौसम में यह रपटा पूरी तरह पानी में डूब जाता है, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी थम जाती है। लोग राशन जैसी जरूरी चीज लेने से भी वंचित रह जाते हैं। बहुत कहाँ कहाँ जाए पड़ते ही रास्ता मिले यही रास्ता में सामान लेला पूरा आ जाए तो छका जाए कई लगान पर कोई दिक्कत ज्यादा है। अभी भी पानी आता है, अभी भी सामान ले बराबर तो हम लगे कहाँ पानी आ गए फस गए। ऐसी स्थिति में आदिवासी लोगों को आपातकालीन चिकित्सा, शिक्षा और आजीविका के लिए गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुल के अभाव में नदी पार करना एक कठिन और जोखिम भरा काम बन जाता है। तो ये जो रपटा है वो कब बना था? 2010-11 के आसपास बना। तो इस रपटा के बनने से आपको कुछ फायदा हुआ था क्या? इसमें तो कोई फायदा नहीं है सर, इससे तो नुकसान ही दिखाई देता है। क्या क्या परेशानियां जाती हैं इसमें? जैसे कि कम
बारिश में जो खेती करते हैं तो उधर से हम इस पार नहीं आ सकते हैं। और फिर यहाँ के जो बच्चे हैं, बाहर के भी जो बच्चे आते हैं, मास्टर लोगों को भी बहुत परेशानी आती है कि बाढ़ में इधर से उधर नहीं स्कूल नहीं आ पाते हैं। यहाँ जो गाय है उधर से जो यहीं पे उसका गौठान कह जाएगी इस पार नहीं आ पाते हैं। और ज़्यादा बारिश होने पर हमको भी बहुत परेशानी आती है। हम यहाँ से बारिश के समय में जो उधर हमारे जो काम आता है उसको हम नहीं कर पाते हैं, बहुत बारिश आने के कारण नहीं जा पाते हैं। तो पैसा कौड़ी की दिक्कत होता है, काम वाम नहीं लगता है, तो स्कूल में जब बाढ़ आ जाती है तो काम में नहीं जा पाते होंगे, तब क्या दिक्कत होती है? बाढ़ आ जाता है सर, हम काम में भी नहीं जा सकते हैं। जो उधर का जो काम आएगा तो कर लेंगे, इधर जो काम रहेगा नहीं कर सकते हैं। इससे क्या नुकसान क्या होता है? समस्या हो जाती है तो पैसा कौड़ी नहीं मिलता। भाकुर से नदी पार करने का यही एकमात्र मार्ग है, जहां पुल के न होने की वजह से स्थानीय लोगों को बाजार, अस्पताल, तहसील मुख्यालय और रोजी मजदूरी के लिए भी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो सभी लोग गांव वाले प्रभावित होते हैं, दूसरे गांव के लोग प्रभावित होते हैं, शिक्षक प्रभावित होते हैं, बच्चे प्रभावित होते हैं, क्योंकि आगन नदी है। यहाँ जब बाढ़ आता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आधे लोग इधर पहुँच जाते हैं, आधे लोग उधर पहुँच जाते हैं, सबके काम इधर उधर हो जाता है। और जो दूर दूर के जो अदर गांव के टीचर भी हैं उन लोगों को भी वैसी परेशानी होती है, बाढ़ में फंस जाते हैं दो दो चार चार घंटा। बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है आने जाने में, एक एक बच्चों को लेकर इस पार से उस पार पहुँचाओ या रोके रखो, ऐसे करके बहुत सारी परेशानियाँ। ये अगर हम बाढ़ अधिक है और पार कर रहे हैं, बच्चे हैं कि गाँव वाले हैं कि टीचर हैं, बह गए तो जान माल का हानि भी हो सकती है। हालिया कोई अनुभव आपको पता हो तो बताएं। अभी प्राइमरी स्कूल के सर हैं मनोज कुमार डोंडे, उसका बाइक पैसी बाढ़ में फंस कर बह गया था और उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट भी बह गया था जी। लेकिन अब स्थिति बदल रही है, क्षेत्र के लोग एकजुट हो चुके हैं, उन्होंने बैठकें की हैं और उच्च अधिकारियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने अपने गांव के लिए एक पुल के निर्माण की मांग की है। गांव वालों और आपके द्वारा मतलब किस तरह के प्रयास किए गए हैं ताकि ये जो पुल बन सके? हम लोग आवेदन दिए हैं आगे कार्यालय में, और हमारे मंत्री जी बीच में आए थे साल दो साल पहले, उसको भी गांव वाले दिए थे आवेदन कि कम से कम यहाँ पर रपटा की जगह पुल बनवा दीजिए कहकर। हाँ बोले हैं, लेकिन अभी तक की कोई वो नहीं है। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या कोशिश रहेगी? हम लोग सिर्फ आवेदन दे सकते हैं, आगे तो शासन की ऊपर है, जितना जल्दी बनवा ले तो गांव वाले सुगम तरीके से अपना जीवन यापन करें। क्या चाहते हैं आप, पुल बन जाएगा तो क्या फायदा होगा शिक्षा को लेकर, आजीविका को लेकर? फायदा ये होगा, सबका अपना अपना काम है, वो सुचारू रूप से होगा, किसी का काम नहीं बिगड़ेगा। आज बैगा आदिवासी एक नई आशा और उम्मीद के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनकी दृढ़ता और एकता से यह सपना जल्द ही साकार हो सकता है। यह पुल न केवल उनकी यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासियों का यह संघर्ष यूं ही जाया नहीं होना चाहिए, सामूहिक प्रयास और दृढ़ता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप भी अगर इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि ये कहानी जन जन तक पहुँचे और बैगा आदिवासियों के चेहरे पर मुस्कान आ सके।